फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बाथरूम में वाइट निशान लग गए हैं हार्ड वाटर के। अगर आप भी हार्ड वाटर से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ये एक केमिकल लिया है मैंने, ये हार्डवेयर की शॉप पर अच्छे से मिल जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मैं इस कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस इसका मैंने यूज किया है और ये मुझे अच्छा लगा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये लिक्विड थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद 10 मिनट के लिए हम रुकेंगे, वह केमिकल अपना काम करता रहेगा और उसके बाद हम ये हार्ड वाटर के स्टेन को आराम से निकाल पाएंगे। अब इस केमिकल को मैं फैला दूँगी और उसके बाद में टाइल पर भी लगा दूँगी। इस केमिकल का यूज टाइल पर, नल पर हम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसको केमिकल अपना काम करेगा तो ये कैल्शियम की तरह जो जमा हुआ है हार्डनेस, ये आराम से निकल जाएगा। अगर ये हार्ड वाटर हमारे नल के पास या किचन के प्लेटफॉर्म वगैरह पे लग जाता है तो उससे पूरी शो बिगड़ जाती है हमारे बाथरूम की किचन की। अगर इसको हम समय समय पर साफ करते जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब इस स्क्रब की सहायता से इस हार्ड वाटर को हटाएंगे। और अगर ये हार्ड वाटर स्क्रब से भी नहीं हटता तो ये वाइट वॉश करते टाइम ये एक पत्ती होती है, इसका यूज करके भी मैं हटा रही हूँ। पर यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम होने के कारण पत्ती भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, तो इस वो हार्ड वाटर अगर नहीं निकले तो एक ये स्पून है, स्पून का यूज करके मैं हार्ड वाटर को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हार्ड वाटर निकल रहा है और काफ़ी टाइम से ये हार्ड वाटर यहाँ पे जमा हुआ था, तो देखिए कितने आराम से अब ये हटा पा रही हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये कपड़े की सहायता से मैं इसको सारे को पोंछ दूँगी और ये देखिए कितना हार्ड वाटर निकल गया है और अभी कुछ बचा भी है। सब थोड़ी सी मेहनत करने से ये हार्ड वाटर सारा निकल गया और बाथरूम का वॉश बेसिन भी एकदम अभी साफ़ हो गया है और अच्छा लग रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये आप देखिए कि अब आपको ये कैसा लग रहा है, काफ़ी क्लीन हो चुका है अब ये।